जी शायद सर, शायद हकान साहब आप बात कर ले रहे नहीं, आप बात आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप सीट बात सुने, बात करें ना, आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। ये जी शायद खाकान आवाज सर, जी प्लीज स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें कि वो मामला तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत का मामला जिस पर हाउस के इस तरफ आदमी बैठा हो उस तरफ बैठा हो, पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक है, पूरा पाकिस्तान यक जुबान है, पूरा पाकिस्तान इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये करारदाद मुत्तफ़िका होनी चाहिए थी, कल आपने हाउस खत्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई या हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। आपने करारदाद लानी थी, तरीका ये होता है बात करते हैं अपोजिशन से कि हम ये करारदाद लाना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है, ये करारदाद नाकाफी है बदकिस्मती से। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि एक घंटा दिया जाए, आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते हैं, हम वापस आएंगे, आकर इसके अंदर जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे, ताकि ये हाउस एक मुत्तफ़िका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे, पूरी हाउस कमेटी हो, पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, हर मेंबर पूरा हाउस हर मेंबर हिस्सा लेना चाहिए, या कमेटी वो स्पेशल कमेटी कोई जरूरत नहीं है, कमेटी ऑफ द होल हाउस। ये मेहरबानी फरमाएं, ताकि खुदा के लिए आपने 3 साल इस हाउस को मफलूज करके रख दिया है, इसको उखाड़ा बना दिया है, इसको बदतमीजी का अड्डा बना दिया है, इसको गालियों का अड्डा बना दिया है, कम अज कम ये एक्सपंज करते हैं इस इसके तमाम अल्फाज को एक्सपंज करते हैं। मामला मेरी बात सुन ले, एक्सपंज करते हैं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, बात तो सुन ले, सिर्फ ये गुजारिश है एक घंटा दें, उसके बाद हम यहाँ मीट करेंगे, हम करारदाद लेकर आएंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे, और इंशाल्लाह वो ऐसी करारदाद होगी जामे होगी, हर मसले पर सैर हासिल यहाँ पर हाउस के अंदर बहस होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुत्तफिक होगा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत पर और ख़त्म नबूवत। जी अली मोहम्मद खान साहब जी प्लीज, इसके बाद आप, इसके बाद, इसके बाद जी, जी। मैं मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गुफ्तगू यहाँ तेज़ हुई, लेकिन उनके आने से पहले आप उनको माइक भी दे चुके थे, और हम तो इस पर चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, सिर्फ 2 नुक्ते सामने रखूँगा बसात एहतराम। ये जो करारदाद आज प्राइवेट मेंबर ने मूव की है, अमजद साहब ने, ये वो करारदाद है जो कल जब गुफ्त शुनीद हुई है, हुकूमती जो डेलीगेशन वहाँ पे मौजज़ अरकान गए हैं और जो TLP के वहाँ मौजज़ दोस्त थे उनके बीच में जो नेगोशिएशन हुई है, वो मनोअन जब TLP ने उसको एग्री किया है उन दोस्तों ने,
तो बगैर किसी नुक्ते ज्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर, तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करने या कुछ भी, ये तो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के तौर पे आई है। बाकी जो शायद खान अब्बासी साहब या पूरा ऐवान जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसमें मौका मिल जाए और इसको एक प्राइवेट जिस तरह भी एक रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की तरफ से कि इसको स्पेशल कमेटी में भेज दिया जाए, वो उस पर गौर व खोज करे और यहाँ पे फिर ऐवान में भेज दे, ऐवान फिर इस पर अगर ओपन डिबेट करना चाहे या जो भी करना चाहे, लेकिन अगर जो उनकी रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की अगर उसको कंसिडर कर लिया जाए और ये मोशन जो है वो उसको स्पेशल कमेटी की तरफ इसको भेज दिया जाए। मैं थोड़ा असद मौलाना असद इसके बाद कादिर साहब मौलाना असद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल जब इजलास इख्तिताम पज़ीर हुआ और तमाम मेंबरान दो दिन के वक्फे के हवाले से अपने घरों को चले गए और फिर शाम को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया और हुकूमती पॉलिसी जो पार्लियामेंट में आप के वज़रा नहीं दे सके उन्होंने कौम से ख़िताब में उस पॉलिसी का ऐलान किया और अपनी हतमी राय उन्होंने उस ख़िताब में दी। जलती पर तेल का काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उसके बाद एक तंजीम जो एहतजाज पर है, पूरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया है, मुल्क के हर मकतबे फ़िक्र के लोग, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो इस्तराब का शिकार थे और यहाँ पर ये बात हमारे लिए भी हैरान कुन है कि हुकूमत की पॉलिसी आने के बाद TLP के साथ मुज़ाकरात किसने किए, मुआहदे उनके साथ जो कुछ माह कबल हुए थे। हमारा मुतालबा पार्लियामेंट के अंदर आपसे यही था कि उन मुआहदात को आप यहाँ पर पेश करें, उन नुकात को आप यहाँ पर लाएं कि क्या मुआहदात हुए हैं, हुकूमत ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से कौन से ऐसे मुआहदात किए हैं कि आज जब उस मुआहदे के 3 महीने मुकम्मल होने को जा रहे हैं तो वो 3 दिन पहले मुल्क में खून बहाने के लिए भी दर से गुरेज नहीं कर रहे। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, कौम के सामने वो हकायक जो 3 रोज कबल लाहौर में हुए हैं उसको नहीं दिखाया गया। मेरा मुतालबा ये है कि एक तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स का जो खून हुआ है, अवाम का जो खून बहाया गया है, उस हवाले से मीडिया को भी मुकम्मल आज़ादी दी जाए कि वो हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करें, और दूसरा जनाब स्पीकर आप हुकूमत को पाबंद करें कि करारदाद पर, नामूस रिसालत पर, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का मरकज़ है, उस पर कोई दोरा नहीं। और ये करारदाद मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो हालात बरपा हुए हैं, यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की कि इसमें ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो मतन का हिस्सा है उस पर हम मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उस हवाले से हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उस हालात के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर ये मतन जो है दूसरा हिस्सा वो ना काफ़ी है, उस पर अपोजिशन अपने आप से तजावीज़ देना चाहती है, इस करारदाद का हिस्सा बनाना चाहती है। हम समझते हैं कि जिस तरह वज़ीर मुमलकत साहब ने फरमाया कि हम ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ
कल इस करारदाद को तय किया है। मैं इस ऐवान पर वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, ये एक तंजीम का मसला नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, उनको जिस तरह अकूबत खानों में डाला गया है, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जो वज़ीर आज़म ने रात को तकरीर की है, हम उसी को हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं। उसके बाद जो रात को पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त के हवाले से भी पार्लियामेंट को आगाह किया जाए कि TLP के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए हैं, उन मुज़ाकरात के जो लोग थे उनको भी पार्लियामेंट में उनके नाम पेश किया जाए। पुलिस के हवाले से जो हमारे पुलिस के सिपाही हजरात, जो पुलिस के अफसरान इस मसले में जान से गए हैं, शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं।